वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो होने वाला रहेगा यहाँ पे बिहार से जो लोग भी बीटेक करना चाहते हैं, जो डिप्लोमा करके आते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा करने के बाद से आपको BCCLA 2024 का एग्ज़ाम अभी चलने वाला है। 14 जुलाई को आपका एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे फिक्स हो रखा है। तो अभी हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आप लोग कैसे कर सकते हो। लास्ट मिनट का हमारा टिप्स होगा, इसके बाद से हम लोग आपको टाटा बाय बाय बोलेंगे एंड ऑल द बेस्ट भी बोलेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट ये चीज़ जानना पड़ेगा कि टाइम का एग्ज़ाम में कैसे मैनेजमेंट करें कि एक हम बेहतर रिजल्ट लेके आ सकें। तो कुछ हमारे पास स्ट्रेटेजी है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे एंड आई होप कि इस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने के बाद से आप उस चीज़ को समझेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस अपना लाके अपना रिजल्ट भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको ना तीन चीज़ यहाँ पे करनी है। तीन चीज़ों को वेरी केयरफुली आप सुनेंगे और काफ़ी अच्छे से इसको समझेंगे तभी आप जो कि अच्छा कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम हॉल में। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हॉल में जाते के साथ आपका जो है ना कि एक माइंड सेट होता है ना कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको एंट्री करना। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मेरे से क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, क्वेश्चन इतना टफ आता है, कैसे होगा क्या होगा, इस सब चीज़ों को सोचना ही बंद कर देना जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा। आपको बस इतना सोचना है कि यार मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा माइंड एकदम विजन क्लियर है, मुझे बीटेक करना है, मुझे ड्रीम क्लियर है, मैं बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं निकाल लूँगा। बस इतना सोचना है, एनर्जेटिक रहना है, कॉन्फिडेंस जिसको आप लोग कॉन्फिडेंस बोलते हो, तो कॉन्फिडेंस आपको अंदर से रहना चाहिए कि यार आई कैन डू एंड आई एम गोइंग टू बी बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करने जा रहा हूँ एंड आई कैन डू इट, ऐसा आपका माइंड सेट बनाना है। तो जो एग्ज़ाम का दिन है ना, उस एग्ज़ाम दिन आपको कोई भी प्रेशर कुछ भी नहीं पढ़ो, फिर भी आपको रिलैक्स रहना है, चिल रहना है, जो होगा देख लिया जाएगा, बात ऐसा करना है आपको। एनर्जेटिक रहना है, कॉन्फिडेंस लेवल रहना है आपका, ठीक ना। आपका माइंड सेट ना वो आपको एक स्ट्रांग बना लेना है कि यार फालतू चीज़ नहीं बात करते हैं, क्वेश्चन नहीं बनाता, सेट में नंबर नहीं आता, इस बार क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल देने, एकदम प्रॉपर माइंड सेट आपका क्लियर कर लेना है कि आई कैन डू एंड आई विल बी गोइंग टू बी क्रैक दिस एग्ज़ाम, ऐसा माइंड सेट आपको बना लेना है। तो पहला पॉइंट आपको ये करना है। एंड जो दूसरा पॉइंट आपको करना है वो करना है कि एक स्ट्रेटजी बनाना है एग्ज़ाम हॉल में जा करके। देखिए एग्ज़ाम हॉल में जा करके आप स्ट्रेटजी बनाओगे, उससे बेहतर है कि आप अभी अपना स्ट्रेटजी बना लो। मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहता, आप एग्ज़ाम हॉल में जा करके एक रफ स्ट्रेटजी बनाएंगे और अभी से भी एक अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका स्ट्रेटजी बनना चाहता, वो स्ट्रेटजी आपको तीन सब्जेक्ट है ना, क्या है आपका यहाँ पे इंग्लिश है, मैथ है और मैकेनिक्स है। तीनों सब्जेक्ट आपका स्ट्रेटजी होना चाहता कि एक्चुअली में स्ट्रेटजी कहता है कि स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है ना आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में वो कितना करना है मुझे, इसका आपके पास जो है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लेना है। और वो स्ट्रेटजी बनाने में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, एक मैं रिकमेंड करूँगा कि एक वीडियो मैंने और बना रखे जिसमें मैंने बता रखे आपको कि कौन सा ब्रांच के लिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, जाकर के चेकआउट करिएगा, वहाँ पर मैंने क्लियर बताया है कि कितना क्वेश्चन बनने पे कौन सा आपको ब्रांच मिल सकता है। तो आपको अपना विजन क्लियर होगा कि मेरा डिप्लोमा कौन सा ब्रांच है, मुझे यहाँ पे कौन सा ब्रांच लेना है, उसके अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे कि मुझे कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बट फिलहाल यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा, वो चीज़ भी फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए, लेकिन उस वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो को उस वीडियो से लिंक कर रहा हूँ, जा करके एक बार देख लेंगे, यानी कुछ बच्चे जो उन्होंने उस वीडियो को देखे होंगे, डैम श्योर है कि आपको यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए, आप यहाँ से समझेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनाना है कि मुझे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अभी क्या है इस टाइम पे, ठीक ना, अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसी टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको जो पास्ट में आपने सेट लगा रखा होगा, क्वेश्चन पढ़ा होगा, आंसर देखा होगा, आपने PYQ सॉल्व करा होगा, तो आपके दिमाग में दो तीन चीज़ें आ रखी होगी कि मुझसे कितना उम्मीद हम कर सकते हैं खुद से कि मेरे एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन बन जाएगा, खुद से हम कितना उम्मीद रख सकते हैं। उस उम्मीद के अनुसार आप जो कि एक बनाइए कि मैं कितना क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकता हूँ। लेट सपोज कि किसी बच्चे ने ट्राई किया तो उन्हें पता चला कि मैं 30 क्वेश्चन एग्जाम में कर सकता हूँ, कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ मैथ और मैकेनिक्स मिला के बोल रहा हूँ, इसमें जो इंक्लूड है वो मैथ प्लस मैकेनिक्स मिला के मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उनको पता है कि मैथ में मुझे मैथ मैकेनिक्स मिला के 30 क्वेश्चन बनाना है। तो लेट सपोज कि कुछ बच्चे यहाँ पे मैथ में जो है कि 15 क्वेश्चन और यहाँ पे मैकेनिक्स में 15 क्वेश्चन करेंगे, तो उनको ऑलरेडी पता है कि मैं 30 क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो वो अपना जो टाइम का मैनेजमेंट करेंगे वो 30 क्वेश्चन के अनुसार ही करेंगे। जो 150 क्वेश्चन होता है ना, जो 150 क्वेश्चन होता है, इस 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को मैंने छांट दिया इंग्लिश को लेकर के, बचे जी 100 क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन में आपके पास बच गए, तो 100 क्वेश्चन में से आपको 30 ही क्वेश्चन करना है। तो 30 के अनुसार ही आपके माइंड को आपको फ्रेश कर लेना है कि यार मेरे पास समय है, मैं 30 क्वेश्चन ही करना है, मैं 30 क्वेश्चन ही करूँगा, मैं 30 क्वेश्चन में ही खुश हूँ, मेरा रिजल्ट 30 क्वेश्चन में अच्छा है। और 30 क्वेश्चन करने वाले 7, 8, 9, 10 रैंक लाते हैं,
तो पैनिक मत होना है कि आप 50 का 50 क्वेश्चन करना है, 100 का 100 क्वेश्चन करना है, 150 का 150 करना है। पहले ये माइंड सेट हटा दीजिए कि 100 क्वेश्चन करना है, 150 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 30-35 में आपका बेहतर सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको इतना ही टारगेट करना है। ज़्यादा टारगेट भी कर लोगे तो फिर एग्जाम में एक बर्डन रहेगा कि यार मेरे को इतना करना है, समय कम है, कैसे कर पाऊँगा, तो टाइम का मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। तो आपको टाइम को मैनेज करना है, तो पहले ये विजन क्लियर करना पड़ेगा मुझे कितना क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो रफली जैसे 30 बच्चे ने, किसी बच्चे ने 30 करा कि 30 मुझे अटेम्प्ट करना है, तो 30 के अनुसार अपना स्ट्रेटजी बनाएगा एग्जाम में जा करके। लेट सपोज कि किसी ने यहाँ पे 30 नहीं बनाया, उसको लगता है कि हम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो पूरा क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये स्ट्रेटजी आपका रहना चाहिए कि मुझे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर ये क्लियर है तो फिर आप मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे। तो मैनेजमेंट के लिए कुछ मैंने टिप्स दे रखे हैं। देखो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको, वही मैंने बोला होगा कि आपको जो टाइम मैनेजमेंट करना है, इसमें आपको टाइम पता होना चाहिए कितना टाइम आपके पास है। तो आपके पास 2 घंटा 15 मिनट का टाइम है, इस 15 मिनट टाइम को आप लोग नेगलेक्ट कर दीजिए। 15 मिनट के टाइम में आपको कहाँ टाइम जाने वाला रहेगा, वो आपका फॉर्म भरना होता है, मतलब जो आएगा ना आपके पास कॉपी आएगा, उस कॉपी में आपको आपका रोल नंबर वगैरह डेट मेंशन रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, तो वो सब में टाइम आपको 15 मिनट चला जाएगा। तो 15 मिनट एडिशनल टाइम में आपका चला जाएगा, बचा जो आपके पास है वो 2 घंटा ही है। 2 घंटा में आपको कितना क्वेश्चन करना है, 150 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा मिला है, तो आपको जो है ना कि अब 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ, मैकेनिक। अब देखिए इंग्लिश में ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाता है, और इंग्लिश में ज़्यादा जो लोग समय देंगे वो लोग सबसे एक बुरी आदत की लत लग गए हैं, एंड वो लोग सबसे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होंगे। क्योंकि आपको इंग्लिश जो है ना कि बस क्वालिफाइंग करना होता है, तो इंग्लिश में आपको समय दे के कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्लियर आपको क्लियर कर दूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में आपको समय नहीं देना है ज़्यादा, इंग्लिश का समय जो बच रहा है उसको कम करना है। और इंग्लिश में समय कैसे होगा, आपको बस इंग्लिश में क्वेश्चन जो बनाना है वो 20 से 25 क्वेश्चन बनाइए, सेम जो नहीं हो 15 भी चलेगा, 15 भी बनाइए, लेकिन 9 के ऊपर बनाइए, और एकदम सही बनाइए कॉन्फिडेंस के साथ। और कैसे बनाना है, कितना बनाना है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, एंड आई होप कि आपने देख ही लिया होगा। तो उस चीज़ों को देखे हो तो आपको पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितना क्वेश्चन करना है, और कहाँ से हम 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहता है। और इंग्लिश में क्वेश्चन में एक खास बात और होती है कि आपके पास उसमें ना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, उसमें कोई लॉजिक और कोई दिमाग वाली बात नहीं होती है, आपको रटा हुआ चीज़ें रहती है, देखना है और आंसर टिक कर देना, तो उसमें आप ज़्यादा समय मत देना। और एक चीज़ और कि उसमें मार्क्स भी नहीं जुड़ती है, तो 50 करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो आपको वहाँ से टाइम बचाना है, तो इंग्लिश वाला पोर्शन को आपको मैक्स टू मैक्स 20 से 30 मिनट टाइम देनी है, 20 से 30 मिनट टाइम देनी है, बहुत टाइम हो गया 20 से 30 मिनट इंग्लिश के लिए। तो आपका स्ट्रेटजी होना चाहता है कि जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको आपको मैक्स टू मैक्स 20 से 30 मिनट का समय देनी है। अब देखिए आपके पास समय कितना था, 2 घंटा, 2 घंटे में आपने मैक्सिमम मान लिया 30 मिनट निकाल दिया, तो समय कितना बचा आपके पास, 1.5 घंटा। तो यानी कि हम बोले मेरे पास बच गया 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब हो गया 90 मिनट बच गया। अब इस 90 मिनट को आपको क्या करनी है, इस 2 पार्ट में स्प्लिट कर देनी है, ये पोर्शन हमने कंप्लीट कर रखा है। अब आपके पास जो समय बचा है 90 मिनट, 90 मिनट को 2 पार्ट में डिवाइड करनी है, इसको मानते हैं 45 मिनट देने हैं, इसको मुझे 45 मिनट देना है। अब ये 45 मिनट आपको देना है दोनों। अब 45 क्वेश्चन में अगर देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो करने की चांसेस है, इसमें 50 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन 45 मिनट में, 50 क्वेश्चन 45 मिनट में लगभग देखो तो आपके पास जो समय बचेगा लेस देन 1 मिनट का समय बचेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए, लेस देन 1 मिनट आपके पास समय बचेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए। और आपको क्या लगता है मैथ और मैकेनिक में इतना आसान क्वेश्चन पूछता है कि आप विथ इन 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को कर लोगे, नेवर पॉसिबल, इट्स नेवर पॉसिबल कि एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर कर लोगे। कुछ ही क्वेश्चन होंगे जिसको आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो, बाकी जो क्वेश्चन आते हैं ना इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आप 1 मिनट में नहीं कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी एग्ज़ाम में जो अभी BCCLE का कोई भी स्टूडेंट जो BCCLE का एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो आप दिमाग से हटा दीजिए कि वो बच्चा इतने कम समय में 45 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लेगा, वो भी नहीं कर रहा है। तो आप भी डरिए मत, आपका कंप्यूटर भी सेम उसी पोजीशन पे है। तो जो कंपटीशन है ना, आपको इससे नहीं कंप्लीट करना है कि 50 क्वेश्चन मुझे 45 मिनट में कर देना है, 50 क्वेश्चन मुझे 45 मिनट में करना है, इससे कंप्लीट नहीं करना। तो इतना में से आपको हटा देना, इतना को हटा देना। अब स्ट्रेटजी क्या होना चाहता है मैनेजमेंट करने का, स्ट्रेटजी को हटाते हैं ज़रा, अब इसको भी हटाते हैं ज़रा, इसको हटाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है ना, यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपने डिसाइड करा था कि मैक्सिमम मैक्स हम 30 क्वेश्चन करेंगे, तो अब स्प्लिट कर दीजिए इस दोनों पार्ट में। अब आप देखिए कि अब देखिए एक और स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ, ये जब क्वेश्चन आप बना रहे थे ना आइटम, तो मैंने अभी बोला था ना कि ये पहले से आपको प्रिडिक्ट था कि हम 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज कर सकते हैं। अब एग्जाम हॉल में जाने के बाद से एक और स्ट्रेटजी बनाइए इसी पॉइंट को लेकर के, स्ट्रेटजी आपका अटेम्प्ट करने का। अब एग्जाम हॉल में जाइए,
नॉर्मल सिंपल वे में क्या करिए कि आप पन्ना को पलटिए, जो भी क्वेश्चन पेपर मिला उसको पलटिए, एक बार पलट के देखिए कि मेरे से कितना क्वेश्चन बन सकता है, जो सेट आया है आपके एग्ज़ाम में उस सेट में देखिए कि कितना क्वेश्चन हम बना सकते हैं। मेरे को देखने के बाद से, पढ़ने के बाद से लग रहा है ना कि चलो 10 क्वेश्चन बन जाएगा मैकेनिक से, 15 क्वेश्चन बन जाएगा मुझे मैथ से, तो कौन सा पोर्शन में कितना क्वेश्चन आप बना सकते हो इसको देखिए। तो मान लीजिए लेट सपोज कि आपको जो है कि 20 क्वेश्चन मुझे बन गया है मैथ में, 20 क्वेश्चन मुझे बनने लायक है मैकेनिक्स में। अब इसी 20 क्वेश्चन को आपको टारगेट करना है। अब जो 50 करने वाले थे पहले, अब आपका कितना आ गया, 20 आ गया। 50 जो पहले करने वाले थे अब कितना आ चुका, 20 आ चुका है। अब टाइम का मैनेजमेंट आप कर पाओगे। अब देखो, अब आप क्या करोगे कि 20 क्वेश्चन मुझे करना है 50 में से मुझे कितना करना है, 20 क्वेश्चन करना है। अब आपके पास समय कितना है, 90 मिनट। दोनों पार्ट को डिवाइड करा तो मैंने कितना मिला, मुझे समय मिला 45 मिनट, इसमें भी 45 मिनट, 45 मिनट इधर, 45 मिनट इधर। तो अब जो आपके पास समय बच गया, देखिए कुछ ऐसे बचेगा कि मुझे 20 क्वेश्चन करनी है और 40 मिनट का समय है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं ना, देखिए मेरे पास 45 मिनट का समय है और मुझे 20 ही क्वेश्चन करनी है, तो यहाँ पे मान सकते हैं कि 2 मिनट के अराउंड आपका समय निकल के आता है। अगर इसको 40 भी मान लेते हैं तो 2 मिनट का समय निकल के आता है, मतलब कि एक क्वेश्चन पे आपको कितना समय देना है, 2 मिनट 20 कितना, 40 क्वेश्चन कर लिया, 40 का मतलब है कि आप यू आर रैंक 1, 2, 3, 4 ला सकते हो 40 क्वेश्चन करने के बाद से। तो आपका मैनेजमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमको 50 पे देख के नहीं टाइम का मैनेजमेंट करना है, मुझे कितना क्वेश्चन मेरे से बन रहा है उसी पे आपका मैनेजमेंट होना चाहिए। 50 के अनुसार आप मैनेजमेंट करोगे तो आप लेस देन 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना पड़ेगा और उतना एफिशिएंसी आपका होगा नहीं, तो फिर झूठ मूठ का बर्डन लेने से, प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा एग्जाम में। तो मैनेजमेंट ऐसा करिए जितना को आप अचीव कर पाओगे और उतना आपका रैंक भी अच्छा बन जाएगा, तो फिर ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। तो अब देखिए आपको बस मैनेजमेंट क्या होना चाहता है कि जो 2 मिनट में 1 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो अब आपका स्ट्रेटजी होना चाहता है कि अगर 2 मिनट में हम 1 क्वेश्चन को कर पाते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 1 क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन मेरे से 1-2 मिनट से ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। सिंपल फंडा है, उस क्वेश्चन को छोड़ देने से भी आपका सिलेक्शन होगा, उस क्वेश्चन को छोड़ देने से भी सिलेक्शन होगा। जो क्वेश्चन आपको 2 मिनट से ज़्यादा समय लेता है उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका 2 मिनट में नहीं बन रहा है, मतलब वो क्वेश्चन आपसे बनने लायक नहीं है, या बनेगा तो हम बाद में लास्ट में समय बचेगा तो हम देख लेंगे, लेकिन 2 मिनट से 1 सेकंड में ज़्यादा क्वेश्चन समय ले रहा है उसको छोड़ दीजिए। फ़ायदा क्या होगा, देखिए अगर 2 क्वेश्चन जो 1 क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट का समय ले रहा था उसको छोड़ दिए, तो अगला क्वेश्चन जो मेरे से बनता वो हो सकता है 1 से 1.5 मिनट में बन जाता, 1 से 1.5 मिनट बन जाता। तो ये क्वेश्चन जो 2 मिनट में नहीं बना था उसको हम 4 मिनट 5 मिनट का समय दे रहे हैं, तो यहाँ पर 1.5 मिनट में जो क्वेश्चन बन जाता वो क्वेश्चन तो इजीली हम लोग बना सकते थे, तो उस पर क्यों ना समय दें, यहाँ पर समय क्यों ज़्यादा दें। तो समय आपको वहाँ देना जहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हो, यहाँ पे समय देने से मुझे अगला 2 क्वेश्चन बन सकता है, बट यहाँ पे समय देने से अगला 2 क्वेश्चन छूट सकता है। तो अगले 2 क्वेश्चन को और ढंग से करने के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ना जरूरी है मेरा, तो इस क्वेश्चन को छोड़ने के बाद से हम 2 क्वेश्चन और आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका स्ट्रेटजी होना चाहता है, जो कि समय जो ज़्यादा ले रहा है उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, और मैक्स टू मैक्स आप ध्यान रखेंगे कि 2 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है उसको छोड़ देंगे बिल्कुल, अगला क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। हो सकता है अगला क्वेश्चन मेरे से बन जाए 1 से 1.5 मिनट में, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहता है। इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी अपनानी है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी अपनाओगे तो देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन को आप कर सकते हो विद इन 45 मिनट, 20 क्वेश्चन को आप कर सकते हो 45 मिनट, और 20-20 आपको 40 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करने की सोचते हो, 40 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने की सोचते हो, तो यहाँ से आप एक बेहतरीन रैंक भी ला सकते हो और समय का अच्छा से यूटिलाइज भी कर सकते हो। तो ये जो 90 मिनट बचे ना, इस 90 मिनट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यहाँ पर मैथ में इंग्लिश में आपको मैक्स टू मैक्स 20 से 30 मिनट ही समय देना है, जहाँ ज़्यादा समय देने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपका नंबर नहीं जुड़ता है, तो समय देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। समय को आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आप जो है कि अपने एनालिसिस के अनुसार देख लेंगे कि आपको मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं या मैकेनिक्स में। अगर मैथ में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं तो फिर मैथ में आप समय को ज़्यादा दीजिए। मान लीजिए किसी का मैथ में अच्छा खासा क्वेश्चन बन रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी लड़के को मैथ में मान लीजिए कि उसको बन रहा है 25 क्वेश्चन और यहाँ पे मैकेनिक्स में बन रहा है 10 ही क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे ज़्यादा समय लगना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है कि ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन करने का कैपेसिटी है, तो यहाँ पे आपका समय ज़्यादा जाना चाहिए था और यहाँ पे समय कम जाना था, तो यहाँ पे आपको समय देना है, यहाँ पे समय कम देना है, तो यहाँ से समय को काट के यहाँ लेके आना है और यहाँ तो बिल्कुल कम समय देना है। तो मैनेजमेंट कुछ ऐसा करिए कि आपको जो है कि अच्छे से एक स्कोर के साथ आपका मैनेजमेंट अच्छा हो जाए, और ध्यान रखिएगा 2 मिनट से जो ज़्यादा समय लेता है उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो कि टाइम का मैनेज कर सकते हो अपने एग्जाम हॉल में, और जो
2 घंटे 15 मिनट के बाद आप निकलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैनेजमेंट मैंने अच्छे से किया है और एग्जाम में क्वेश्चन को मैंने अच्छा खासा अटैम्प्ट करा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इस चीज़ को, इस टेक्निक को मिस्टेक करते हो तो मे भी चांसेस है कि आप जब निकलेगे एग्जाम से तो आपको लगेगा कि हम तो 10 ही क्वेश्चन बनाए थे, 15 क्वेश्चन ही बनाए थे, और 10-15 क्वेश्चन से आपका रैंक अच्छा नहीं आ पाएगा। तो आपको एक प्रॉपर तरीके से टाइम का मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा और एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ आपको एग्जाम हॉल में जाना है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हम क्वेश्चन को कर सकते हैं और कहाँ पर टाइम जा रहा है इसको मैनेज करिएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन बन रहा था मैंने और मैंने यहाँ पे समय दे दिया कि यहाँ पे समय दे दिया मैंने 50 मिनट। अब 50 मिनट देने का मतलब हुआ कि 10 ही क्वेश्चन बना और यहाँ पे 50 मिनट देने का मतलब यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो गया। वो जो मैंने बताया ना कि 2 मिनट से ज़्यादा का समय ले रहा है उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको छोड़ते हैं तो 10 ही क्वेश्चन के पीछे 50 मिनट टाइम दे दिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़े यहाँ से जो कि 50 मिनट में हम 25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो यहाँ से स्कोरिंग मेरा बढ़ेगा बट यहाँ से मुझे कम रहा है। तो इसका स्ट्रेटजी आप लोग समझिए कि आपको सिंपली क्या करना है, समय वहाँ देना है जहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है। और मैंने बता दिया कि मैक्स टू मैक्स आपको 2 मिनट का ही समय देना है एक क्वेश्चन के लिए, उससे ज़्यादा समय ले रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ने के बाद से भी आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा कर जाएंगे। तो इस तरीके से आपको टाइम को मैनेजमेंट करना चाहता है एग्जाम हॉल में। एंड बाकी आई होप कि हमको इतना बेस्ट समझाया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी लेटेस्ट हमारे पास अपडेट आती रहेंगी कि आपका एग्ज़ाम जो होने के बाद से जो सीट मेडिक्स आएंगे, काउंसिलिंग होगा, कौन कॉलेज मिलेगा, क्या चलेगा नहीं चलेगा, सारा चीज़ हम बताते हैं आपको। पिछले 4 सालों से मैं बताते जा रहा हूँ तो इस साल भी बताएंगे, विश्वास रखिए बेहतरीन कंटेंट दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो आप इस स्ट्रेटजी के साथ बढ़ेंगे तो आपका बहुत ही टाइम बच जाएगा और अच्छा खासा क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो ऑल द वे सभी को मेरे तरफ से आपका बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, ये वीडियो इस सीजन का लास्ट था एंड उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ों सीखने को मिला होगा। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जो जल्दी हम लोग लेके आएंगे BCCLE के लिए। एंड ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।